हेलो चिल्ड्रन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न टेंसेस सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट सो लेट्स स्टार्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेफिनेशन द एन एक्शन हैप्पन्स रेगुलरली इन द सेंटेंस देंटेंस दर्ब स्टेलस वेयर एन एक्शन हैप्पन्स रेगुलरली जो एक्शंस रेगुलरली होता है रेगुलरली हैप्पन होता है एंड द एक्शन हैपनिंग नाउ और जो प्रजेंट में हैपन हो रहा है दैट इज दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रजेंट टेंस फॉर एग्जाम्पल ही कम्स टू स्कूल बाय बस दिस इज द रेगुलर एक्शन ओके कि वो बस से स्कूल आता है दिस इज द रेगुलर एक्शन टू इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इट मीन्स प्रजेंट टेंस में वर्क की फर्स्ट फॉर्म आती है और जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर है द सब्जेक्ट इज सिंगुलर तो वर्ब में एस या ई एस लग जाता है ओके ही कम्स टू स्कूल बाय बस शी लाइक्स आइसक्रीम एंड जान की रेगुलरली लेट्स डू द एक्सरसाइज द एलिफेंट यूज जो वर्ब है वो यूज है इट्स ट्रंक टू पिक अप थिंग्स यू हैव टू यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो सी हीयर द एलिफेंट एलिफेंट इज सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम वर्ब में क्या लगा देंगे एस लगा देंगे ऑलरेडी ई e लगा हुआ है एस लगा देंगे द बो द बोट फेरीज यहाँ पे फैरी है वर्ब जो है आपका फेरी है तो इन द प्लेस ऑफ वाई वाई को हटा के हमने आई ई एस लगा दिया नाउ कैट्स गिव यहाँ पे वर्ब जो है गिव दिया हुआ है तो बिकॉज सब्जेक्ट इज़ प्लूरल कैट्स तो वर्ब जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा गिव रहेगा अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होता कैट तो यहाँ पे गिव्स आ जाता ओके ना सिंपल पास्ट वर्ब टेलस अबाउट एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट जो एक्शन पास्ट में हैपनड हुआ है मीन्स बीते हुए समय में हुआ है दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस सी द एग्जाम्पल वी यूजली एड ई डी टू द मोस्ट ऑफ द वर्ब्स वर्ब uh, में हम ई लगा देते हैं और या वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं लाइक शी ओपनड द डोर फॉर द गेस्ट यहाँ पे ओपन है ओपन में ई लग गया तो ये पास टेंस बन गया नेक्स्ट एग्जाम्पल द पॉटर कैरी द हैवी लोड ऑन हिज शोल्डर यहाँ पे जो वर्ब है वो कैरी है तो इन प्लेस ऑफ वाई वाई को हटा के क्या लगा दिया आई ई डी ओके

द सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ used टू टेल अस अबाउट एन एक्शन दैट विल बी done sometime इन द फ्यूचर फ्यूचर में होने वाला एक्शन फ्यूचर में होने वाला काम जो भी एक्शन अगर फ्यूचर में होने वाला है दैट इज काम इन फ्यूचर टेंस ओके एंड वी यूज विल प्लस वर्ब जो वर्ब के साथ किसका यूज होगा फ्यूचर टेंस में विल का टू एक्सप्रेस द सिंपल फ्यूचर टेंस फॉर एग्जाम्पल द टीचर विल बी इन स्कूल टमोारो तो यहाँ पे विल के साथ बिल का भी यूज़ हुआ है सी द एक्सरसाइज आई शेल आई यू आई और वी के साथ हम शेल का यूज़ करेंगे और रेस्ट ऑफ द वर्ड दे ही शी इनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी ओके सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड थैंक यू